असं आए हुए हैं शर्मा ढाबा से जो कि पिछले 70 साल तो खाना सर्व कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा फेमस ढाबा है जी, तो बहुत अच्छा खाना बना रहे हैं। बहुत ज़्यादा रेकमेंडेशन थी सिरसा वाले ने कहा कि अगर तुम पंजवाना नहर के कोल जाओ तो इन्हों का खाना टेस्ट करके आना, तुम्हें मज़ा आ जाएगा। एक असी दाल मंगवाई है जी, तो एक मंगवाई है सेब भाजी। तो इन्हों के रेट सुन के तुम हैरान हो गए, 70 रुपये की प्लेट है, 70 रुपये ही यदा रेट है। तो नाल इन्होंने सैलड दिता है, तो नाल असी रोटियां लवाइया कड़क कड़क जो कि देख सकते हो तुसी। स्वाद चखदा तुहानू स्वाद दसदा किहो जिहा स्वाद है, तो इत्थे आना साडा वर्थ इट होया कि नहीं होया, ये हुणे खा के तुहानू दसदा। अच्छा, ये क्या? और ये आलू मटर है जी, ये बेसन कटा है जी। वाह भाई वाह। दाल फ्राई है, इसमें दाल मखनी भी, दाल फ्राई दोनों। अच्छा, ये दाल बॉइल्ड दाल है सिर्फ, है ना? बॉइल करके रखी हुई है आपने? हां जी। मेरा नाम है दिनेश कुमार शर्मा जी। अच्छा, और मतलब बेसिकली आप ही हो यहाँ के संचालक सारा? नहीं, वो बड़े भाई हैं जी। ठीक है, संतोष कुमार शर्मा। ठीक है ठीक है, आप भी मतलब यहीं पे साथ में ही बैठते हो? लेकिन ठीक है ठीक है। तो ये मतलब कितना टाइम वैसे इसको रन करते हो गया आपको प्रॉपर? इनको यहाँ पे हो गए हमारे को जी कम से कम 30-40 साल। 30-40 साल इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह। ठीक है, आपके फादर साहब ने शुरू किया होगा? हाँ जी, हाँ जी, है ना, खैरपुर में, सिरसा में। अच्छा, सिरसा में शुरू किया था? खैरपुर में? हाँ जी। ठीक है, उसके बाद बाढ़ आई थी, उसके बाद यहाँ पे। अच्छा, फिर यहाँ मतलब 40 साल यहाँ हो गए, उससे भी पहले का काम है? लगभग 60-70 साल हो गए होंगे। वाह भाई वाह, मतलब सिरसा से ही हो आप बेसिकली, और लेकिन अब यहाँ सर्व कर रहे हो खाना। सर जी क्या लगा रहे हो? ये आलू टमाटर लगा रहे हैं। वाह भाई वाह, आलू टमाटर की सब्जी लगने जा रही है। ये एक अपने लिए दाल फ्राई, अब दाल फ्राई लगाओगे? हाँ जी। अच्छा, तड़का पहले बना के रखा हुआ है आपने? हाँ जी। ठीक है, तड़का टमाटर प्याज का ही बेसिक जो होता है ना? हाँ जी। बाकी इसके अलावा और क्या क्या सब्जियां मिलती हैं आपके यहाँ पे? और ये जी मटर पनीर है, पालक पनीर है, दाल मखनी है, सेब भाजी है, और दाल शाही पनीर है। अच्छा, ये सब है। सेब भाजी मैंने देखा ज़्यादा तक ढाबों पे ही मिलती है? हाँ जी, है ना। हाँ जी, यहाँ की सोना भी है, स्पेशलाइज्ड है। प्राइसिंग क्या रहती है सेब भाजी का, कितने रुपये प्राइस रहता है? 70 रुपये जी। 70 रुपये की? और दाल की? 70 रुपये। 70 रुपये में अंदर सब्जियां आ जाती है सारी। क्या रहता है यहाँ का एड्रेस बताओ जरा? एड्रेस है शर्मा ढाबा पंजवाणा। शर्मा ढाबा पंजवाणा, डबवाली रोड पे। ठीक है, बिल्कुल मतलब जो नहर है नहर से थोड़ा सा आगे आएंगे क्रॉस करके, है ना। बता दो जरा क्या है? टाइमिंग सर हमारी 24 घंटे है जी। 24 घंटे मिलेगा? हाँ जी, 24 घंटे सुबह शाम रात जो भी आप मंगो, जो भी सब्जियां। हाँ जी, और ये चाय वगैरह सब कुछ मिलता है? हाँ जी, हाँ जी, सब चाय ठंडा सब मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, सब। वाह। लो जी, पहली बाइट लाऊंगा दाल दे नाल। अरे वाह, बड़ा बैलेंस मसाला है, बड़ा अच्छा स्वाद है। तो तुम अपने अकॉर्डिंग इन कस्टमाइज करा सकते हो, तिखी बनवानी है, फिक्की बनवानी है, नॉर्मल खानी है, थोड़े से डिपेंड करता है। अगली बाइट में लाऊंगा ये सेब भाजी। बेसिकली सेब भाजी भुजिया की सब्जी होती है, कई शहर च मिलती है, कई च नहीं मिलती, थोड़े शहर च मिलती है, नहीं मिलती, तुम मैं कमेंट करके जरूर दस्यो, मैं स्वाद चक के दसदा। अरे वाह, बड़ा घैंट स्वाद है जी यदा भी। असी ये सारा जायका चखते हैं, ये सारा खाना इंजॉय करते हैं। तुसी इस वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, तो कमेंट करो, तो मिलते हैं अगली वीडियो। उद तक बाय बाय।